दोस्तों, टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस भेज रहा है। अगर आपने भी ये गलती की है तो आपके घर भी नोटिस आ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए खबर के अंत तक जुड़े रहें। बिना फाइन इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR दाखिल किया, जो पिछले साल की तुलना में 53.67 लाख ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में 5.83 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, यानी इस साल 53.67 लाख लोगों ने पहली बार अपना ITR भरा। ITR दाखिल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों के रिटर्न का मिलान कर उन्हें ज्यादा कटे हुए पैसे वापस कर रही है। वहीं जिन लोगों का ITR मिलान नहीं हो रहा है, मिसमैच हो या फिर कोई गड़बड़ी मिल रही है, उन्हें नोटिस भेज रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग अब तक 22,000 टैक्स पेयर्स को इस सिलसिले में नोटिस भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग जिन टैक्स पेयर्स के रिटर्न में उनके टैक्स स्टेटमेंट से अलग डिटेल मिली है या फिर जो अमाउंट क्लेम किया है उसके गलत पाए जाने पर नोटिस भेज कर जवाब मांग रही है। दरअसल दो तरह के टैक्स स्टेटमेंट होते हैं, इसमें पहला फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म 26AS। इनमें टैक्स पेयर्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की डिटेल दर्ज रहती है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपना सालाना ITR फाइल करता है तो आयकर विभाग दोनों का मिलान करती है। अगर दोनों के मिलान में कोई गड़बड़ी या फिर टैक्स डिडक्शन का क्लेम अधिक होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर उक्त व्यक्ति से और जानकारी की मांग करता है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए कहता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक क्या आपने भी की है ऐसी गड़बड़ी जिसकी वजह से आपको भी नोटिस का सामना करना पड़े? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालें।